शहर के अजमेर रोड स्थित बिग विश स्पा सेंटर पर विवाद की सूचना पर रविवार देर रात में डिप्टी सुमित मेहरा ने सिटी थाना पुलिस के साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने 12 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार दोपहर में उपखंड न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से सभी के स्वयं की जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। सिटी थाने के ASI राजकुमार ने बताया कि डिप्टी सुमित मेहरा को रविवार देर रात को अजमेर रोड स्थित बिग विश स्पा सेंटर में कुछ युवकों के बीच विवाद होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद डिप्टी मेहरा ने सिटी थाने के जाब्ते के साथ मौके पर दबिश दी। दबिश के दौरान डिप्टी मेहरा ने मौके पर विवाद करते हुए मिले हुए 12 युवकों को हिरासत में लेकर सिटी थाने पहुंचाया। डिप्टी ने निर्देश पर सभी युवकों के खिलाफ शांति भंग के आरोप में मामला भी दर्ज करवाया और सोमवार को उपखंड न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को स्वयं के जमानत मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए गए। SDM के निर्देश पर सभी आरोपियों को स्वयं के जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। ASI रामकुमार के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सुरेंद्र सिंह रावत, सोहेल रवि, अर्जुन सूरज, राजेंद्र कुमार, महेश सहदेव, इकबाल, धर्मेंद्र राजू और शैलेश शामिल थे। अजमेर रोड पे एक सभा सेंटर है, वहाँ पर माता पूरी कर रहे थे आपसरी में, तो हमारे IPS साहब को सूचना मिली, तो उनकी टीम और हमारे थाने की टीम जाके उनको लेके आए। कितने लोग हैं? 10-12 लोग थे। तो किस एक्ट में इनको गिरफ्तार किया? इनको शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया, वहाँ आपसरी में माता पूरी कर रहे थे।